तो पीछे से सन सिमुलेटर था। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, आज का जो व्लॉग होने वाला है अलग ही है। ये व्लॉग अलग इसलिए है क्योंकि as you guys all know, तुम्हारा भाई एनर्जी इंजीनियर है। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है लेकिन मुझे निकलना पड़ेगा और ब्लॉग की भी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आज मैं जा रहा हूँ सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट, जो कि मैं जा रहता हूँ नोएडा हाउस में, वहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है। और वो सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट जो है वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ से हम अभी सुबह 7:30 बजे की बस है जो कॉलेज की तरफ से हम लोग जा रहे हैं। इसको एक्सकर्शन बोलते हैं। एक्सकर्शन में इट्स काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल विजिट, और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी हैं आसपास रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में। तो हम लोग वहाँ जाएंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। और जो मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं, जो मुझे देख रहे हैं यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपडेट्स मिलती रहेगी। मैं पैदल चल के जा रहा हूँ अभी, क्योंकि जो मेरी यूनिवर्सिटी का रास्ता है जहाँ से डायरेक्ट वहाँ बस जाती है, वो रास्ता ख़राब है। पड़ेगा 6:59 की मेरी ट्राम है, 7:30 बजे तक मुझे कॉलेज पहुँचना है। लेकिन मैंने बताया ना कॉलेज का रास्ता ख़राब है, इसलिए मुझे यहाँ से दूसरी जगह से जा रहा हूँ। बॉकमस ट्राज है, एक अलग ट्राज है, वहाँ से मुझे जाना है। इसलिए मैं घर से थोड़ा 5 मिनट के डिस्टेंस पे बस स्टॉप तक पहुँचना पड़ेगा। तो फाइनली बस जो है आ चुकी है। इस बस में हम लोग जाने वाले हैं। मैं बता रहा था हम किससे जाएंगे किससे नहीं आएंगे, ये बस से हम जाने वाले हैं। सबसे पहले नाम चेकाऊंगे वहाँ पर कि कौन कौन बंदे हैं जिन्होंने नाम लिखवाया था। 50 बंदे जाने हैं और लगभग 3 घंटे का समय है, तो हम चलते हैं और निकलते हैं। पहुंच गए हमने। दादा गाड़ी चला रहे थे। जिस बस से हम लोग आए थे वो बस पीछे खड़ी है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कौन सी बस है। और ये जो है ये हमारा इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम लोग अभी आए, जैसा कि वहाँ पे लिखा है इंस्टीट्यूट फ्यूज सोलर एनर्जी फॉर शुम, दैट मीन्स इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी रिसर्च। अंदर देखते हैं अंदर क्या क्या है। अभी हम लोग आ गए, टाइम 10 बज रहे हैं और ये देखिए बस भाई। थैंक्स अ लॉट यार। ओके, तो यहाँ पर ये सब सारी इंफॉर्मेशन देंगे, प्रेजेंटेशन होगा कि कहाँ पर जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितने बजे जाएंगे। वॉल एंड द अदर्स आर थर्मली एक्टिवेटेड, सो ऑन द बैक साइड देयर इज अ हीट एक्सचेंजर ग्लूड ऑन द बैक साइड एंड you can earn some low temperature heat. यहाँ पर बाहर इन्होंने रिसर्च के लिए पीछे प्रॉपर सेटअप कर रखा है, सोलर पैनल्स लगा रखी है, अलग से छत बना रखा है। और यहाँ पर सारा रिसर्च होता है। अभी जहाँ हम अंदर थे वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो उन्होंने बताया है हमें। Driven at low temperatures. At the moment we've got a very high humidity. Baaki sab to jo bhi hai theek hai, lekin yahan ka mausam jo hai bahut zyada badhiya hai. Piche barish thodi thodi little aur jagah jagah inhone chhat laga rakhi hai, chhat ke upar solar panels dal rakhe hain. Aur ye solar panels jo hai un pe test hota hai, mechanical test, load test, durability test. तो ये जो है ये छत है, कैसी है दिखाता हूँ पीछे से।
concept of solar thermal body. We evacuated tube connectors. Got a biaxial tracker. We can follow the sun's path. तो पीछे से सन सिमुलेटर था यार। अब मैं जो एडवांस बातें अगर आप सब लोगों के सामने करूँगा तो ये अपना चैनल टेक्निकल चैनल है नहीं कि भाई मैं यहाँ ये सब बताऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो है, यहाँ की अलग अलग इनके स्टेशंस लगे हुए हैं। सिर्फ सोलर पैनल्स नहीं है, सोलर पैनल्स की जैसे कि मैंने बताया था ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो रिसर्च में यहाँ पर एनर्जी सप्लाई वगैरह यहाँ से कुछ नहीं होती। यहाँ सिर्फ ये देखते हैं कि पैनल्स टेस्ट करते हैं कैसे हैं क्या है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो सोलर पैनल्स की कंपनीज होती है वो कंपनीज़ इन्हें बोलती है कि हमारे सोलर सेल्स जो है, सोलर पैनल को चेक करो और चेक करने के बाद हमें बताओ और हमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करो कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है। तो ये लाइट में वही चेक हो रहा है और उसके बाद वो चेक करके बताते हैं कि कितना एफिशिएंट। ओके, तो जो मैं सोलर पैनल्स बता देता हूँ इस टाइप के होते हैं। बीच में जो सिल्वर लाइनिंग होती है और मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वो 20.2%। ये छोटे छोटे सैम्पल्स सोलर मॉड्यूल्स के, सोलर मॉड्यूल पॉलीक्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सारे तरह के। ओके, सो फाइनली एक्सकर्शन ख़त्म हो गया। एक्सकर्शन मैं बोल रहा हूँ, एक्सकर्शन वही इंडस्ट्रियल विजिट बोल सकते हैं आप। हम लोग आए थे, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आ गया, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में देखे। जब पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल देखते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना चैनल और शेयर भी करना, ठीक है। हमारी बस वापस से बड़ी वाली चच्चा सामने बैठे होंगे, चलते हैं उनके पास कि चलाओ भाई गाड़ी।